सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैजनवा में बुधवार की रात में गर्भवती महिला को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा भर्ती न करने के साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराने के बाद चल रहे इलाज में महिला की हालत में काफी सुधार हुआ है। वहीं अस्पताल में तैनात कर्मचारियों द्वारा महिला को भर्ती कर इलाज न करने के संबंध में जब गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा सेजनवा में करीब 11 बजे रात एक महिला क्या एक लड़की आई थी जो कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी के साइड में बैठी हुई थी अकेली। और वहाँ के स्टाफ ने जब उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों बैठी हो, तो उसने कहा पेट में दर्द है। तो स्टाफ ने कहा कि आप अंदर अपने किसी के साथ आई होगी, उसके साथ अंदर आओ, तुम्हारा चेकअप किया जाए, जाँच किया जाए। बाद में थोड़ी देर के बाद वो नहीं गई अंदर और स्टाफ ने थोड़ी देर के बाद आके जब देखा तो पाया कि वो महिला वहाँ से गायब है, वहाँ नहीं है। तो रात की बात थी, फिर उसने और कहीं नहीं तलाशा, लेकिन सुबह ये पता लगा कि सहजनवा पीएससी के बाहर साइड में एक महिला बैठी हुई है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को उसने स्वयं ही नाली में फेंक दिया था बगल की और वो बच्चा मर गया था। उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उस महिला को मॉर्निंग में फिर हमारे सीएससी में एडमिट किया गया। इस वक्त उसकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, वो सामान्य भाषा में बात कर रही है और बता रही है कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं गर्भवती हो गई थी, इसलिए डर के मारे मैं भाग गई थी और मेरे साथ कोई मेरे परिवार का नहीं आया था, अभी तक भी उसके परिवार का कोई वहाँ नहीं पहुँचा है और वो महिला ठीक ठाक है। सो कॉज नोटिस दिया है कि आखिर तुमने उस समय छोड़ दिया, उसको ले जा के चेकअप करना चाहिए था और उसमें कार्रवाई होगी अगर उसकी नेग्लिजेंस कहीं पाई जाती है तो।